अभी जो हमारा अध्याय चल रहा था मूल्यह्रास आयोजन एवं संचय, जिसके संबंध में मैंने इस अध्याय से संबंधित अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक एवं एक जो निबंधात्मक प्रश्न हैं, सामान्यतः इसमें अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक के साथ कई प्रश्नों के उत्तर भी इस निबंधात्मक प्रश्न में आपको मिलेंगे। प्रश्न है, स्पष्टतया बताइए कि आयोजन एवं संचय में क्या अंतर है। इसके संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, चूँकि हमने जब पूर्व में जो पीडीएफ पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने संचय, आयोजन एवं रस डेप्रिसिएशन इन तीनों के बारे में पढ़ा और इन तीनों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। वर्तमान में हम इस निबंधात्मक प्रश्न के बारे में देखते हैं कि पुनः वापस से आयोजन का अर्थ। साधारणतया आयोजन का आशय भावी हानियों तथा दायित्वों के लिए की गई व्यवस्था से लिया जाता है, अर्थात भविष्य में संभवित होने वाली हानि एवं दायित्वों के लिए आयोजन की व्यवस्था की जाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार आयोजन का आशय उस राशि से है जो स्थायी या चल संपत्तियों के मूल्य में कमी होने के कारण या नवीनीकरण या राश का आयोजन करने के लिए रखी गई हो, अथवा किसी ऐसे ज्ञात दायित्व का आयोजन करने के लिए रख ली गई हो जिसकी राशि पर्याप्त शुद्धता के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती। अब विद्यार्थी, हम सामान्यतः देखते हैं कि भविष्य में होने वाली संभावित हानियों के लिए हम एक आयोजन बना के रख लेते हैं, जो कि सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि स्थायी संपत्तियों से संबंधित के संबंध में रखी जाती है, या कोई मशीन अप्रचलन में हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम आयोजन बना के रखते हैं, जिससे कि हम उसको समय पर नई मशीन से रिप्लेस कर सकें। आगे आता है विद्यार्थियों, विभिन्न आयोजनों के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य, अर्थात जो हम संस्था के अंदर आयोजन बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए अंकेक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। डूबत रन के लिए आयोजन, ऐसे देनदार जिनसे रकम प्राप्त होने की संभावना नहीं है, तो ऐसी हानि के लिए आयोजन का निर्माण किया जाता है, उसे डूबत व संदिग्ध रणों के लिए आयोजन कहते हैं। इसके लिए अंकेक्षक को देनदारों की सूची देखकर यह पता लगाना पड़ेगा कि कौन से रण संदिग्ध हैं। इसकी जानकारी निम्न बातों से करेंगे। पहला बिंदु है विद्यार्थियों, कितने समय के लिए उधार माल बेचा गया है, ऋण कितना पुराना है। तीसरा बिंदु है, समय पर देनदारों से रुपया प्राप्त हो जाता है या नहीं, किन किन ग्राहकों के चेक व बिल अप्रतिष्ठित हुए हैं। उपरोक्त बातों के आधार पर अंकेक्षक डूबत ऋण के लिए आयोजन की रकम ज्ञात कर सकेगा। साथ ही प्रबंधकों से संदिग्ध ऋणों की सूची प्राप्त करनी चाहिए। यदि आयोजन पर्याप्त नहीं है तो इसका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात आता है बट्टे के लिए आयोजन। बट्टे के लिए आयोजन के अंदर विद्यार्थी हमने पढ़ा है व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा, ये सारी चीज़ें। यहाँ भी अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ग्राहकों को दी जाने वाली बट्टे की राशि व्यापार की हानि होती है। ग्राहक को दी जाने वाली बट्टे की राशि क्या होती है, व्यापार की हानि होती है, अतः व्यापारी इसके लिए भी आयोजन कर लेते हैं। इसके लिए अंकेक्षक को देखना चाहिए कि व्यापार की परंपरा के अनुसार बट्टे के लिए आयोजन किया गया है या नहीं, अर्थात
सामान्यतः व्यापार या उस तरह के प्रचलित व्यापारों की तरह से बट्टे के लिए आयोजन पर्याप्त मात्रा में किया गया है या नहीं। इसके अतिरिक्त अंतर नियमों के अनुसार आयोजनों का निर्माण करना, अर्थात जो पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम है उनके अनुसार भी आयोजन का निर्माण किया जाना चाहिए। विनियोग के लिए आयोजन, विनियोगों के लिए आयोजन, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विनियोगों पर आयोजन करने से पूर्व विनियोगों की प्रकृति को देखना होगा। यदि विनियोगों को चल संपत्ति के रूप में रखा गया है तो चिट्ठे के दिन विनियोगों के मूल्य में होने वाली गिरावट के लिए लाभ हानि खाते से आयोजन करना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यदि विनियोग को चल संपत्ति के रूप में रखा गया है तो जिस दिन हम चिट्ठा बना रहे हैं उस दिन हमें देखना चाहिए कि वास्तविक विनियोग की गई राशि और बाजार मूल्य क्या है। बाजार मूल्य यदि बहुत बड़ी मात्रा में कम है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए विनियोग के लिए आयोजन बनाना चाहिए। यदि विनियोग स्थायी संपत्ति के रूप में है तो आयोजन की आवश्यकता तभी होगी जबकि विनियोगों के मूल्य में अस्थायी गिरावट आ जाए। यदि स्थायी संपत्ति के रूप में है तो ऐसी स्थिति में आयोजनों की आवश्यकता, प्रोविजन की आवश्यकता उसी स्थिति में होती है जबकि इसमें गिरावट आ जाए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार आवश्यक आयोजन किया गया है या नहीं, अर्थात अंकेक्षक का एक कर्तव्य है कि उसे ये जांच करना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक आयोजन किया गया है या नहीं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों संचय। अज्ञात हानि की पूर्ति करने, कार्यशील पूंजी को बढ़ाने या आर्थिक स्थिति के विभिन्न प्रकार के संचयों के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य किस प्रकार के होंगे, जिसे हम अग्रलिखित बिंदुओं में देखेंगे। पहला बिंदु है विद्यार्थियों पूंजीगत संचय। इस संचय में ऐसी राशियां आती हैं जो लाभांश वितरण के काम में नहीं आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कि हम पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पूंजीगत संचय के संबंध में अंकेक्षकों द्वारा निम्न बातों की जांच की जानी चाहिए। पूंजीगत पहला बिंदु है, पूंजीगत संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को अप्लीकेट करने के लिए ही किया गया है या नहीं। इस संचय का उपयोग लाभांश वितरण में नहीं किया गया है, अर्थात इस संचय का, पूंजीगत संचय का प्रयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः इसका उपयोग अंकेक्षक ये देखे कि पूंजीगत संचयों का उपयोग लाभांश वितरण के लिए तो नहीं किया गया है। तृतीय बिंदु है, इस संचय का निर्माण पूंजीगत लाभों में से ही किया गया है। अगला बिंदु है सामान्य संचय। साधारण व्यवसाय में जितना लाभ होता है उसे संपूर्ण नहीं बांटा जाता है, न बांटकर उस लाभ का कुछ भाग संचित कर लिया जाता है, जिसे हम सामान्य संचय कहते हैं। यह संचय निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यह संचय निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आता है पहला बिंदु, व्यापार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अर्थात संचय निर्माण का उद्देश्य व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। द्वितीय, अज्ञात भावी संकट से व्यवसाय की रक्षा करना। तृतीय, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए। चौथा बिंदु है लाभांश की दर समान रखने के लिए, अर्थात प्रतिवर्ष जो लाभांश की घोषणा की जाती है उसको सामान्य रखने के लिए भी सामान्य संचय का निर्माण किया जाता है। इस संचय से कभी भी लाभांश वितरण किया जा सकता है, अतः इसे मुक्त संचय कहते हैं। कहने का तात्पर्य, सामान्य संचय से कभी भी लाभांश का वितरण किया जा सकता है, अतः इसे मुक्त संचय भी कहा जाता है। सामान्य संचय के संबंध में अंकेक्षकों द्वारा निम्न बातों की जांच की जानी चाहिए, अर्थात जो सामान्य संचय का निर्माण किया जाता है व्यवसाय के अंतर्गत संस्था में, उसके संबंध में अंकेक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या क्या चीज़ों को उसने अंकेक्षण के दौरान देखना चाहिए, व
वो बिंदु हैं विद्यार्थियों, संशय का निर्माण अंतर नियमों में दी गई दर से करना चाहिए, अर्थात जो संशय का फॉर्मेशन है, निर्माण किया गया है, वो जो अंतर नियमों में दर दे रखी है उसके अनुसार किया गया है अथवा नहीं। द्वितीय है, संपत्तियों के मूल्यांकन से होने वाले लाभ को संचय के रूप में दिखाया गया है या नहीं। तृतीय है, संदेह होने पर रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए। यदि किसी प्रकार का संदेह है अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान, तो ऐसी स्थिति में उसे रिपोर्ट में इन सभी चीज़ों को लिख देना चाहिए, उजागर करना चाहिए। अगला है विद्यार्थियों बिंदु, गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व। ऐसा संचय जिसका अस्तित्व चिट्ठे में प्रकट न हो गुप्त संचय कहलाता है। उदाहरण के लिए, किसी संस्था ने चालू व्यवसाय खरीदा और 10,000 रुपये ख्याति के चुकाए। ख्याति की रकम 3,000 रुपये किसी वर्ष के लाभ हानि खाते से अप्लिकित कर दिए गए। जिस सीमा तक ख्याति को अप्लिकित किया गया, उस सीमा तक गुप्त संचय का निर्माण हो गया। कंपनी अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद यह संचय अवैधानिक हो गया है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में गुप्त संचय का निर्माण अवैध नहीं होता है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें गुप्त संचय का निर्माण अवैध नहीं होता है? पहला बिंदु है विद्यार्थियों, ख्याति को अप्लिकित करके गुप्त संचय का निर्माण करना। दूसरा है, स्थायी संपत्तियों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक बढ़ जाने पर, जो स्थायी संपत्तियां हैं, यदि उनका बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक बढ़ जाता है तो भी क्या होता है, गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है। तृतीय है, बैंक, बीमा व बिजली कंपनी की स्थिति में गुप्त संचय का निर्माण अवैध नहीं है। ये तीन परिस्थितियाँ हैं जिसके संदर्भ में गुप्त संचय का निर्माण को अवैध नहीं माना गया। बैंक, बीमा व बिजली कंपनी की स्थिति में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं। अंतर नियमों से संचालकों के अधिकारी की जांच की जानी चाहिए। द्वितीय, किसी सीमा तक गुप्त संचय का निर्माण किया गया है या किस सीमा तक गुप्त संचय का निर्माण किया गया है। गुप्त संचय का उपयोग भलाई के लिए किया गया है तथा प्रबंधकों ने इसका दुरुपयोग नहीं किया गया। प्रबंधकों द्वारा गुप्त संचय का दुरुपयोग नहीं किया गया। अन्य कंपनियों की स्थिति में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि गुप्त संचय का निर्माण नहीं किया गया हो। अंत में विद्यार्थियों, हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। आयोजन एवं संचय, सामान्यतः कई बार वेरी शॉर्ट में ही पूछ ली जाती हैं सब चीज़ें, इसी निबंधात्मक प्रश्न में संपूर्ण कई वेरी शॉर्ट प्रश्न भी हैं, उत्तर लिखे हुए हैं, और अंत में हम देखते हैं कि आयोजन एवं संचय में क्या अंतर है। पहला अंतर है विद्यार्थियों, निर्माण के आयोजन, यह किसी ज्ञात दायित्व की पूर्ति हेतु बनाया जाता है, अर्थात आयोजन का निर्माण किसी संभावित ज्ञात दायित्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जबकि संचय का निर्माण किसी अज्ञात अथवा आकस्मिक दायित्व की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। द्वितीय अंतर है विद्यार्थियों, प्रकृति, यह आयोजन लाभों के विरुद्ध बनता है, अर्थात जो आयोजन है वह लाभों में से बनाया जाता है, ठीक है, जबकि संचय लाभों का नियोजन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, यदि संस्था के पास लाभ नहीं है तो भी आयोजन का निर्माण किया जाता है, लेकिन यदि संस्था के पास लाभ नहीं है तो ऐसी स्थिति में संचय का निर्माण नहीं किया जाता। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, अनिवार्यता।
अगला बिंदु है विद्यार्थियों अनिवार्यता, आयोजन का निर्माण अनिवार्य है चाहे लाभ हो या हानि, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजन इज कंपल्सरी, अर्थात चाहे लाभ हैं या न हो आयोजन का निर्माण और अनिवार्य है। संचय का निर्माण लाभ होने पर ही किया जाता है, अर्थात जो रिजर्व हैं यदि लाभ हैं तो ही संचय का निर्माण किया जाता है, अन्यथा नहीं। उसके पश्चात है अगला विद्यार्थियों अंतर 4 उपयोग, आयोजन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, अर्थात जो आयोजन की राशि है उसका उपयोग जिस उद्देश्य के लिए किया बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उस राशि का उपयोग किया जाता है, जबकि संचय का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। लाभांश का वितरण, इसमें से लाभांश वितरित नहीं किया जा सकता जबकि संचय में से लाभांश वितरित किया जा सकता है। अगला है पर्याप्त आयोजन न होने पर अंकेक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, रिपोर्ट में लिख सकता है, जबकि पर्याप्त संचय होने न होने पर अंकेक्षक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अंतिम है विद्यार्थियों चिट्ठे में निरूपण, इसे संपत्ति पक्ष में संपत्ति में से, आयोजन के अंदर क्या होता है अपन ने पढ़ा है कि इसे संपत्ति पक्ष में संपत्ति में से घटाकर दिखाया जाता है, जबकि संचय को इसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो हमने देखा विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण चैप्टर है मूल्य ह्रास आयोजन एवं संचय, इन तीनों के अंदर जो अति महत्वपूर्ण लघुतरात्मक एवं निबंधात्मक, आज मैंने एक निबंधात्मक प्रश्न आपको वीडियो के फॉर्म में दिया है, समय समय पर मैंने आपको कई PDF बना के दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये आप इससे लाभान्वित होंगे। और यदि कोई समस्या है तो अपने WhatsApp ग्रुप और व्यक्ति से मेरे से बात करके अपनी समस्याओं का दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।